हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करंट अफेयर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो नया टॉपिक 2023 में जितनी प्रमुख योजना हैं जो मोस्ट है जो पेपरों में पूछे जाएंगे, तो आज हम उन योजनाओं को पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट योजना क्या होगी? फर्स्ट योजना होगी कि अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ये किसके लिए है? तो हम बताएंगे रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए है। कौन सी है कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो कौन सी है ये अमृत भारत स्टेशन योजना। ये कब शुरू की गई थी? तो दिसंबर 2022 में। कब शुरू की गई है? तो ये की गई है दिसंबर 2022 में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारी रहेगी पीएम प्रणाम योजना किसके लिए चलाई गई? तो बताएंगे हम किसके लिए ये किसके लिए चलाई गई है। यह चलाई गई है भारत में रासायनिक उर्वरक की खपत कम करने के लिए। भारत में रासायनिक उर्वरक की खपत कम करने के लिए कब चलाई गई? ये 2023 में। ये कब चलाई गई है? तो ये चलाई गई है 2023 में। नेक्स्ट होगी कि ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया? तो हम बताएंगे कि तुर्की व सीरिया में आए भूकंप में जो फंसे लोगों को तो भारत ने लोगों की सहायता के लिए यह योजना चलाई गई है। भारत ने लोगों की सहायता के लिए कौन सी चलाई गई? ऑपरेशन दोस्त। कहाँ पर? तुर्की और सीरिया में भूकंप के आने के कारण जो लोग फंसे थे तो उनके लिए यह चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है जल जन अभियान योजना, ये किसके लिए है? तो ये चलाई गई है जलाशयों के संरक्षण के लिए। और कब चलाई गई? तो ये भी चलाई गई कब? 2023 में। नेक्स्ट होगी प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, ये किसके लिए चलाई गई है? तो हम बताएं ये चलाई गई जनजातीय लोगों के विकास के लिए योजना चलाई गई है। तो ये कब चलाई गई? अगस्त 2022 में यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट योजना है कि मिष्टी योजना देखते हैं कि मिष्टी योजना किस लिए चलाई गई? तो ये है कि भारत के समुद्री तट पर मैग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए। क्या है कि भारत के समुद्री तट पर मैग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए कौन सी चलाई गई योजना? तो ये कौन सी है 2023 में कौन सी चलाई गई है? मिष्टी योजना। फिर हमारी वो जी कि अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो भारत की झीलों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है ये कब चलाई गई 2023 में? किसके लिए है अमृत धरोहर योजना? किसके लिए? भारत की झीलों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट होगी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना ये किस लिए चलाई गई? तो ये चलाई गई है भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए। किसने? भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकों के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए यह योजना चलाई गई। तो ये कब चली है? ये भी चली है कब? 2023 में। और मैं नेक्स्ट होगी कि पीएम श्री स्कूल योजना ये किस लिए चलाई गई? तो स्कूलों विकसित व उन्नत बनाने के लिए यह योजना चलाई गई है। और कब चलाई गई थी? तो हम बताएंगे 5 सितंबर 2022 से यह योजना शुरू हुई है। 5 सितंबर 2022 से कौन सी योजना शुरू होती है? तो पीएम श्री स्कूल योजना। नेक्स्ट होगी अग्निपथ योजना, ये किस लिए चलाई गई? तो यह केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कब से शुरू की गई है? तो ये की गई जून 2022 से यह शुरू की गई है। फिर हमारी नेक्स्ट कौन सी होगी कि नमस्ते योजना किस लिए चलाई गई? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए यह 2022 में यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये किसके लिए है? तो छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए। किसके लिए? छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए यह योजना चलाई गई है। नेक्स्ट होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किसके लिए चलाई गई? तो कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन उपलब्ध कराना
कराने के लिए यह योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ये कब शुरू हुई थी? तो 26 मार्च 2020 से यह शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अगर ये प्रमुख योजना 2030 अगर आप टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।